टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, इसके अलावा पाकिस्तान ने जो इसके अलावा और वाइट बॉल सीरीज खेल ली उसके लिए पीसीबी ने पाकिस्तान के नए गैर मुल्की कोचेज का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान की टेस्ट फॉर्मेट के भी नए कोच का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा बात करने वाले हैं कि आपको पता है कि हाल ही में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों दोस्तों जो कि वाइट बॉल सीरीज जो कि टी20 खेली गई थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान की अगली टी20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर देगा जहां पर पाकिस्तान अब आयरलैंड का टूर करने वाले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ कितने टी20 मुकाबले खेलेगा और पहला टी20 मुकाबला कब कहां कितने बजे खेला जाएगा। सबसे पहले आपको बड़ी ब्रेक न्यूज से कहा करते चलें कि पीसीबी ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान टीम के ऊपर गैर मुल्की कोचेज को तैनात कर दिया जहां पर गैरी क्रिस्टन दोस्तों जिसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और वो गैरी क्रिस्टन जो कि 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कोच थे जहां पर भारतीय टीम ने अपनी सरजमीन पर 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। तो वही गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान टीम के अब हेड कोच होंगे जो कि आयरलैंड टूर इंग्लैंड टूर के बाद जो कि पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान टीम के हेड कोच होंगे। जबकि इसके अलावा तमाम फॉर्मेट के लिए यानी कि वाइट बॉल फॉर्मेट और इसके अलावा दोस्तों आप साथ ये भी कहा करते चलें कि वाइट बॉल और इसके अलावा रेड बॉल फॉर्मेट के लिए पीसीबी ने पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को तमाम फॉर्मेट के लिए असिस्टेंट कोच मुकर्रर कर दिया। यानी कि अजहर महमूद टेस्ट के लिए भी इसके अलावा वाइट बॉल क्रिकेट के भी पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें रेड बॉल की दोस्तों रेड बॉल में गिलेस्पी जो होंगे जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से जो कि एक साबिक फास्ट बॉलर हैं जिस लिहाज से अब गिलेस्पी पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कोचिंग करेंगे। इस लिहाज से जो बड़ी खबर है वो ये है कि गैरी क्रिस्टन टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के हेड कोच जबकि अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच होंगे। इसलिए दोस्तों बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के बाद अगली सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया जो कि पाकिस्तान ने अब आयरलैंड का टूर करना है जहां पर पाकिस्तान और आयरलैंड में दोस्तों 3 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे जहां पर पहला टी20 मुकाबला 10 मई को, दूसरा टी20 मुकाबला 12 मई को जबकि तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला 14 मई को खेला जाएगा। और ये तमाम तर मुकाबले दोस्तों पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए हुसैन स्पोर्ट्स।